कि रशिया में अभी एक गवर्नमेंट रूल है कि अगर आपको बेटा या बेटी होती है, एक औलाद होती है, तो आपको गवर्नमेंट आपको पैसे देंगी। 52 ईयर्स की ओल्ड लेडी, ये मतलब मैं जिनसे मिला उनके क्लिनिक में आई थी, और उन्होंने पूछा कि मैं औलाद पैदा करना चाहती हूँ, क्या मुझे अभी मुमकिन है? आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वोल्गोग्राड में मैं 3 दिन रुका, काफ़ी कुछ इस शहर के बारे में मैंने जाना है, इसके लिए मैंने सोचा आपसे थोड़ी बहुत बातें शेयर कर लूँ, ये जानकारी आपको बता दूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? कैसा काम मंडली? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांडर राइजिंग। आई होप ऑल यू डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो बेसिकली मैं हूँ अभी वोल्गोग्राड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं 6 घंटे पहले ही यहाँ पर पहुँच गया था, इसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ वोल्गोग्राड शहर के ऊपर। बेसिकली यहाँ पे बैठे बैठे मैं तो ये अमेज़न प्राइम पे कार्निवल रो देख रहा था, एक अच्छा खासा वेब सीरीज़ है, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है बट टाइम पास के लिए देख रहा है। वोल्गोग्राड में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ खास लगा नहीं, बट हाँ, जो हाईएस्ट मॉन्यूमेंट इन यूरोप है जो कि मदरलैंड कॉल्स, वो उसकी वजह से वोल्गोग्राड काफ़ी फेमस है। बट मैं एक लेडी से मिला, मैरिड है और बेटी है उनकी, वो डिवोर्स्ड है फ़िलहाल बेसिकली, तो उनके साथ कुछ शेयर किया, मतलब मैंने बातें बहुत सारा इस शहर के बारे में जाना मैंने, तो एक बस 2-3 घंटे का साथ था हमारा और उसमें बहुत सारी बातें हो गई। मतलब यहाँ पर डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं बाय द वे, इन नॉट ओनली इन वोल्गोग्राड बट ऑल ओवर इन रशिया। मैं सरगी साहब से भी मिला, उन्होंने भी कहा, उलियानोस में सरगी मिले थे मेरे साथ जो थे, उन्होंने भी कहा कि 2010 से काफ़ी डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। एंड मैंने सोचा कुछ बातें आपसे शेयर कर लूँ। ये डिवोर्स केस तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट जो लेडी मुझे मिली थी वो वाकई बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है एक्चुअली। तो मैं जिनसे मिला, उनका खुद का एक क्लिनिक है यहाँ पे वोल्गोग्राड में, और उनकी जो बेटी है 9 साल की है, अच्छे खासे स्कूल में है वो फ़िलहाल। और वो लेडी का मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए, बेटी को बहुत कुछ सिखा रही है वो। मतलब बेटी को इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भेजती है, स्विमिंग क्लासेस जाती है, ढेर सारे अदर एक्टिविटीज़ चालू हैं उनके, तो काफ़ी टैलेंट भरा हुआ है। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है। मतलब बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर मैरिड लाइफ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत सारे लोग डिवोर्स है एंड वुमेन के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे मेन जो है वो मतलब अपने मतलब के लिए जीते हैं वगैरह वगैरह, बट उनके जो पति है उनके बारे में उन्होंने गलत नहीं कहा। मतलब उनको लगता है कि उनके एक्स हस्बैंड जो है वो एक बुरे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान है उनके नज़रिए से, तो अच्छी बात है ये। मतलब मुझे अच्छा लगा वो सुन के। अदरवाइज़ औरतें तो बहुत हेट करती है अपने एक्स बीविया से, मतलब एक्स हस्बैंड से, तो वो कभी सुनाई नहीं दिया, तो वो एक अच्छी बात लगी वो मैडम के बारे में। और बाद में मैंने बात की ये रशिया में मैरिज लाइफ क्या है, मतलब अगर मैं मजाक मजाक में मैंने पूछा उनसे कि अगर मैं किसी रशियन से शादी करूं और यहाँ पे बस जाऊं तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा अच्छा रहेगा, डेफिनेटली वो जो रशियन गर्ल रहेगी वो खुश नसीब रहेगी कि एक ब्राउन स्किन पर्सन उन्हें मिला। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि जो लड़की को आप पसंद करोगे या लड़की आपको पसंद करेगी, वो बंदी बहुत खुश नसीब होगी कि ब्राउन स्किन वाला बंदा उसे मिला एज अ हस्बैंड या ऐसे एज अ पार्टनर। तो यहाँ के लोगों को ब्राउन स्किन वाले पसंद है और अपने यहाँ पे गोरे स्किन वाले बहुत पसंद करते हैं, मतलब गोरा बनना चाहते हैं। तो यही बात हो गई, और बात हो गई, मैंने पूछा कि मुझे रशियन लेडी से शादी करनी है और मुझे यहाँ पे सेटल होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस किसी को भी ढूंढ लो, प्रपोज कर लो, शी विल मतलब वो पसंद करेगी तो वेयर यू कैन आस्क फॉर मैरिज, मतलब शादी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। और मैंने बोला उनको कि बच्चों का क्या सीन है, मैंने यहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा देखी है, मर्द लोग बहुत कम देखे। तो मैंने कहा क्या रीज़न है इसके पीछे। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली यहाँ पे जो रशिया में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रूल्स है बाय द वे। तो उन्होंने कहा कि रशिया में अभी एक गवर्नमेंट रूल है कि अगर आपको बेटा या बेटी होती है, एक औलाद होती है, तो आपको गवर्नमेंट आपको पैसे देंगी। मतलब एक बेटे पे, एक औलाद पे कुछ 90,000 या 1,20,000 ऐसे कुछ तो क्राइटेरिया है। पहली औलाद होने के बाद अगर एक औलाद होती है तो एक सम अमाउंट मिलेगा, दूसरी औलाद होती है तो थोड़ा बढ़कर मिलेगा, तीसरी औलाद होती है तो ऑलमोस्ट 2,00,000 रुपए तक मिल जाते हैं एक फैमिली को। तो यहाँ पर मतलब ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाने का चक्कर चालू है इन रशिया। तो ये लोग देखते नहीं है कि लड़का है या लड़की है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, औलाद सीधे पैदा कर देती है। और मैंने कल देखा भी, कल मैं स्ट्रीट्स पर चल रहा था, मतलब सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा एक कपल जा रहे थे, जो औरत प्रेग्नेंट थी और उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे जो एंजॉय कर रहे थे, चले जा रहे थे। मतलब उनकी फैमिली, मतलब तीसरा औलाद आने को है उनको। तो ये मुझे कुछ अजीब लगा थोड़ा बहुत, मतलब ये लोग पैसे के लिए औलाद पैदा करती है, ऐसा हो रहा है रशिया में, और गवर्नमेंट से पैसा मिल जाए इसके लिए औलाद पैदा कर रही है। और एक और मैंने औरत को देखा जिसकी बेटी बहुत हंसी मजाक करते हुए चले जा रही है, मतलब उसके मम्मी का अटेंशन पाने के लिए बहुत सारा ये, मतलब दोनों पैदल जा रहे हैं और बेटी मम्मी का अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है, बट मम्मी है कि दोनों हाथ अपने जैकेट पॉकेट में डाल के चुपचाप ऐसे बिना रिएक्शन किए चले जा रही है बस। मतलब मुझे ये अजीब लगा, मतलब एक माँ को अपने औलाद का इम्पोर्टेंस ही नहीं था वो, मुझे अजीब लगा वो थोड़ा, मुझे वो बेटी पे तरस आ रहा था सीरियसली। और ऐसे भी एक सीन हुआ, इंसिडेंट, कि एक 52 इयर्स की ओल्ड लेडी, ये मतलब मैं जिनसे मिला उनके क्लिनिक में आई थी और उन्होंने पूछा कि मैं औलाद पैदा करना चाहती हूँ, क्या मुझे अभी मुमकिन है। तो ये बात वो मैडम ने मुझे कहा कि ऐसे भी हो रहा है आजकल, 52 इयर्स की ओल्ड लेडी वो औलाद पैदा करना चाहती है ताकि उसे गवर्नमेंट से पैसे मिल जाए। ये बहुत ही अजीब किस्म का एक मूवमेंट देखने मिला, सुनने मिला मुझे। ये सीरियस है, उन्होंने मतलब वो मैडम जो मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे इंटरनेट पे एक स्क्रीनशॉट भी भेजा और मुझे ओपन भी करके दिखाया इंटरनेट पे, ये देखो ये पहला बेटा हुआ तो इतने, दूसरे बेटे हुए थे इतने, तीसरा औलाद हुआ तो इतना, मतलब एक अलग अलग क्राइटेरिया है, तीसरे तक ठीक है, तीसरे के बाद एक सेम अमाउंट मिलने लगता है। तो ये आई डोंट नो, मतलब ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके वो बच्चे लोग गरीबी देखेंगे। मतलब एफर्ट्स क्या है, मतलब इतने पैसे काफ़ी नहीं होते और ये लोग दारू पीने में उड़ा देते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाने पीने में उड़ा देते हैं, जबकि वो बच्चे के लिए उतना सफिशिएंट भी नहीं है वो फंड्स। वो बच्चे के लिए कपड़े लेना, खाना खिलाना, फिर एजुकेशन दिलाना, ये सब सारा कुछ इजीली मुमकिन नहीं है उतने पैसों में। और ये सिर्फ अमाउंट मिलता है वन टाइम, ऐसा नहीं है कि हर साल मिलते रहेगा, ये सिर्फ वन टाइम, एक बार औलाद पैदा होती है आपको दिए जाएंगे और बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आगे पता नहीं ये बच्चे लोग किस हालात से गुजरेंगे, मतलब मुझे बेहद अफसोस है, ये कुछ सुनने मिला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अजीब लगा। मतलब गवर्नमेंट ऐसे कुछ रूल्स नहीं निकालने चाहिए बाय द वे, मतलब ऐसे। और बाय द वे वोल्गोग्राड में और एक चीज़ मैंने देखी कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, यहाँ पर ब्रिज का जो डांसिंग ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है, उसको 25 साल लगे तैयार होने में। मैं तो सरप्राइज रहा भाई, रशिया में तो एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अच्छा खासा आमदनी रहेगा, अच्छा खासा इनकम रहेगा लोगों का, लाइफस्टाइल अच्छा है, बट नहीं, यहाँ पर सड़कें गए 10 साल से बन रही है, अभी तक सड़क पूरी नहीं हुई है,
यहाँ पर म्यूनसिपल और गवर्नमेंट काफ़ी स्लो काम कर रही है यहाँ पर। बट मैंने बोला उनको कि निजनी नोवगरोड पे तो मुझे ढेर सारा काम चलते हुए मैंने देखा है, बहुत सारे लोग वर्कर्स लेबर्स काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, सिटिंग एरिया बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो कि डेवलप होते जा रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है। बट मुझे वोल्गोग्राड में डेवलपमेंट नहीं दिखी, वोल्गोग्राड में बहुत सारे लोग एकदम। तो यही है दोस्तों, मतलब वोल्गोग्राड में मैंने देखा सड़कों पर भीड़ बहुत कम है, ये लोग को मेंटेनेंस जम नहीं रहा है, मतलब पुअर मेंटेनेंस कॉस्ट है यहाँ पर और सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे, ये सारा जो हिसाब किताब है जो मोहतरमा ने मुझे बताया, तो ये सारा हिसाब किताब है भाई वोल्गोग्राड का। वोल्गोग्राड शहर मैंने काफ़ी करीब से जाना है, एक इंसान को मिला जो इंग्लिश जानता हो, इंग्लिश समझता हो, उनसे मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, मतलब इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सवाल आता रहेगा कि मैंने वो मैडम जो है उनको वीडियो में क्यों नहीं लिया। मैडम अनकंफर्टेबल है, वीडियो में नहीं आना चाहती थी, इसके लिए मैं खुद ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई कोई लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, अपने अपने लाइफ में अपना एक स्पेस चाहिए रहता है, इसके लिए मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपसे, क्या आप वीडियो में आना पसंद करोगी, मुझे एक कंटेंट मिलेगा, दैट्स इट। तो वो कंफर्टेबल नहीं थी, उनको फ़ोटो भी लेना पसंद नहीं था, तो मैंने कोई फ़ोटो नहीं ली उनकी, कोई वीडियो नहीं लिया। बट बहुत सारी बातें हुई जो कि बहुत सारा रशिया के बारे में जानने मिला मुझे, इसके लिए मैं बस शेयर करना चाहता था, इतना ही वीडियो रखता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता। इसी के साथ साथ कह देता हूँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड शीघ्र मुलाकात होगी। अलविदा दोस्तों, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, दसविदानिया, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अडियोस अमिगोस, एंड बाकी सब बढ़िया है। बट हालात यहाँ पर कुछ देखने मिले वो अजीब है।